मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक निजी स्कूल के शिक्षक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मामला थाना इछावर के एक निजी स्कूल का है। एक शिक्षक ने कक्षा नवी के छात्र की क्लास में ही लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। छात्र का कहना है कि मैं क्लास में बेंच को इधर से उधर खिसका रहा था, तभी शिक्षक अमन राठौर आए और लात घूसों से मेरी पिटाई कर दी। आपको बता दें कि दो दिन में यह दूसरी घटना है जब छात्र के साथ मारपीट की गई है। स्कूल के प्राचार्य से मामले में सवाल किया तो प्राचार्य ने कहा कि शिक्षक को स्कूल आना बंद करा दिया जाएगा। मेरे तो कुछ करा भी नहीं था, बस उन्होंने लात घुसे ही मारे मेरे को, पीठ पे मारा बहुत तेज, उन्होंने कभी दर्द हो गया वहाँ पे। आपके सारे हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को बंद क्लास कर दिया, उसके एक बच्चा नहीं था, बच्चे बाहर थे, उसको अकेले को पूरे रोक से बुरी तरह मुक्ते थे और लात से मारा उसको, जिससे उसकी पीठ पर बड़ा निशान हो गए हैं। तो जब मेरे पास फोन आया स्कूल से, तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो स्कूल में ना ही वो सर आए मेरे सामने, ना सर ने कोई मेरे से बात करी। बाद में मेरी मैनेजमेंट से बात हुई, मैनेजमेंट ने समझा कर उनको अभी कर दिया है।